हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह का हो रहा है 10:30 और मैं बिल्कुल नहा धोा के फ्रेश हो गई हूँ। तो आई हूँ अपने ब्लॉग के स्टार्टिंग करने। और आप लोग कैसे हैं प्लीज़ बताइएगा। और आज ना मैंने जो है हेयर कलर किया है मैंने, तो देखिए मेरे हेयर का जो कलर है कैसा लग रहा है बताइएगा। और फ्रेंड्स, बोलना चाहूँगी जो भी मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ वीडियो पे आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कर दिया कीजिए। तो बस मॉर्निंग का सुबह जो काम होता है वो सारे हो चुके हैं मेरे, तो भी मैंने हेयर को कॉम नहीं किया है। बाल हेयर वॉश किया था मैंने आज, तो बस बालों को कॉम कर लूँगी मैं। तो ये देखिए मेरे बाल कितने ड्राई लग रहे हैं। और आज तो ऑयल लगाने से क्या होता है ना, बाल थोड़ी से शाइन करती है। तो ये देखिए बाल को, बस तो ज़्यादा कुछ नहीं, एक पोनी बना लूँगी मैं। और अभी जो है अभी जो है अभी मेरा जो काम है वो करना है। तो क्या क्या काम करूँगी मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। और पता है आप लोगों को, कल रात में ना मेरे साथ बहुत बड़ी जो है क्या बोलूँ, बहुत टेंशन हो गया। तो रात में टेंशन के मारे हॉस्पिटल दौड़ना पड़ा। और क्या हो गया मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ब्लॉग मन नहीं था, लेकिन क्या बोलूं, एक ये भी एक मेरा काम ही है जो मुझे करना है, चाहे खुशी हो या गम। तो बस, तो इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि मैं बहुत ये हूँ, तो शेयर करना पड़ता है। तो ये देखिए मेरी पोनी बिल्कुल रेडी है। और आज मैंने पहनी है येलो साड़ी, तो ये हल्की लाइट येलो है, तो कैसी लग रही है बताइएगा। और क्या हुआ था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आज क्या क्या करूंगी तो वो आपको पता चलेगा मेरे ब्लॉग पे, तो ब्लॉग पे बने रहिएगा। और सच में तो बहुत गर्मियाँ लगती है चोटी पे, तो फिर इसके बाद में क्या करती हूँ, ज़्यादा गर्मियाँ लगती है ना तो ऐसे ज़्यादा करके मैं जोड़ा बना करके ही रहती हूँ। और बहुत दिनों से आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। तो घर में रोज़ दाल चावल सब्जी बनते हैं या फिर सिंपल सा ही खाना बनता है, तो फिर वो क्या शेयर करूँ समझ ही नहीं आता है। और ऐसा नहीं है, और ये देखिए मेरे अलमीरा का हाल, तो कपड़े काफ़ी बिखरे हुए, तो इनको भी मुझे ठीक से तह लगाना है, तो वो लगाऊँगी किसी और दिन। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। तो बस ऑडियो रेसिपी ऐसा नहीं कि नहीं आती है, बट ऐसा कुछ बना नहीं रही हूँ कि शेयर करूँ। और बोलते हैं ना कि अगर हमारा हम कुछ सी काम पे को करते हैं तो हमारे उस काम पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान रहता है। तो मेरा ये देखिए मैं क्या हुआ आपको दिखाती हूँ। तो रात में मेरा जो बाबू है ना, ये ना हमारा जो आंगन है वहाँ पे ना गिर गया था, तो इसी से उसको ना यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा चोट लग गई। और बहुत मतलब इतना मैं देख कितना डर गई थी ना, तब सोच लीजिए कि बच्चों को अगर कुछ होता है तो माँ को कैसा होता, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इसकी जो है जो होता है ना टाका वगैरह, तो टाका लगा हुआ है। तो ऐसे वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन बच्चे भी बोलते हैं ना मम्मी वीडियो बनाइए, मेरी बेटी भी, तो बस सोचे ठीक है बना लेती हूँ। और ये देखिए, और बच्चों को ना रोज़ ना मैं 2 बार ऑयल लगाती हूँ। तो बच्चे छोटे थे तो 4-5 बार लगाते हैं जब बच्चे छोटे रहते हैं, बट हाँ जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, तो अभी मेरा बाबू ज़्यादा नहीं 3 साल का ही है, तो मैं इसको 2 बार तेल लगा देती हूँ सुबह शाम। और बच्चे खेलते हैं ना, तो खेलते तो उनको पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ तेल लगाने से क्या होता है ना कि बच्चों का शरीर जो अच्छा रहता है, तो तेल ज़रूर लगाना चाहिए। ज़्यादा 5 साल तक तो ज़रूर बच्चों को तेल लगाना चाहिए। तो बस मैं हल्के हल्के ही लगा रही हूँ। और सच में मेरी, मैं क्या बोलूँ, बहुत लोग होते हैं ना हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो सूट करते हैं, लेकिन उस कंडीशन में मैं बिल्कुल भी नहीं थी। और मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि हम हर पल को अपना जो है कैमरे में शूट करें, कुछ पल हमारे फैमिली का होता है। और ये देखिए मेरा बेटा कितना नखरा कर रहा है, तो मुझसे ये बिल्कुल नहीं हुआ कि कैमरे, और ना ही मेरी वो कंडीशन थी। तो बहुत मतलब बहुत रात में, रात भर में सोई नहीं, मेरी बहुत ही हालत ख़राब थी। और मेरा बाबू भी वो काफ़ी दर्द में था, बहुत ज़्यादा ही लग गई थी। तो ये देखिए, और ये देखिए बच्चे है ना बोलते, हम बड़े हैं तो अपना तकलीफ़ जो है शेयर कर देते, लेकिन बच्चे जल्दी बोलते नहीं हैं। और नीचे में जो है वहीं पे उसको बहुत सारी चोट आई है। तो ये देखिए, और ये देखिए कैसे ये बदमाशी कर रहा है, और इसने कुछ लिया हुआ है। तो
ये देखिए, और ये कैमरे को देख के ना और ज़्यादा बदमाशी करती है, तो कभी कभी बच्चों के लिए भी मुझे कैमरा लेना पड़ता है। बच्चे कैमरे को देख के ना काफ़ी खुश होते हैं। तो ये देखिए, और ये मैंने बना लिया है जूड़ा। तो जूड़ा क्योंकि रहा ही नहीं जाता, गर्मी काफ़ी लगती है, आप मेरा फेस देख के देख सकते हैं। और ये देखिए, आज मेरी जो साड़ी की आँचल है काफ़ी छोटी है, मैंने बनाई है। और आज मुझे ना जो ऊपर जैसे ये जो शीशा है ना, तो इसमें काफ़ी सारे दाग हो गए। तो वैसे कॉलिन से भी साफ़ करती हूँ, पर ये जो दाग है ना, ये छूटते ही नहीं है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, पानी को भिंगा करके इस तरह से जो टीवी है उसको साफ़ कर दूंगी। और टीवी वगैरह ना, तो टीवी वगैरह भी हल्का हल्का पोंछ देती हूँ मैं, तो हल्का हल्का जो डस्ट होते वो आ जाते हैं। तो इसीलिए, और ख़ास करके मिरर को तो साफ़ करते रहना चाहिए, ताकि क्योंकि मिरर में तो हम लोग अपने फेस को देखते हैं। तो ये देखिए, मेरा जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो आज यही मैं छोटी सी क्लीनिंग कर रही हूँ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग जो है कैसा लगता है, अच्छा लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब किया कीजिए। तो ये देखिए, मेरा जो मिरर है बिल्कुल साफ़ हो गया। और ये देखिए, सामने से मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ दाग है। और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट कर की थी कि साड़ी, मैं अपनी साड़ी और ब्लाउज़ कलेक्शन दिखाऊं, तो वैसे मेरे पास उतनी साड़ी और ब्लाउज़ नहीं है, लेकिन हाँ अगर कभी वैसा हुआ तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो छत पे आई हूँ, ये देखिए, तो कपड़ों को मैं ले जाऊंगी, कपड़ों को लेने के लिए आई हूँ। और धूप काफ़ी तेज़ है। और ये देखिए, यहाँ पे अमरूद का जो पेड़ है, तो मुझे मन हो रहा था ना, छोटे छोटे अमरूद है, तो एक मेरे ना एक अमरूद जो है थोड़ी सी पकी हुई है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक अमरूद यहाँ से तोड़ी है, तो ज़्यादा छोटी सी। और अब मुझे ना आधी कच्ची और आधी पकी हुई, जो पूरा पका हुआ अमरूद होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने बस तोड़ ली, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नीचे रूम में, और ये देखिए, ये जो मेरा कपड़ा है वो रखा हुआ है, तो इनको करूँगी फोल्ड करूँगी। और अब काफ़ी गर्मी है, तो चलिए ब्लॉग का करती हूँ एंड। और आपको मेरी साड़ी कैसी लगी बताइएगा। तो चलिए मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।